टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम राबिया है, मैं आपके पास अपनी फरियाद लेकर आई हूँ। ख्वाजा साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, आप बताएं क्या मसला क्या है। ख्वाजा साहब, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। अच्छा। मेरे 3 बच्चे भी हैं। मेरा शौहर एक बाहैसियत आदमी है, लेकिन वो मेरे खर्चे नहीं पूरे करता, ना मुझे कोई चीज ला के देता है। वो क्यों, कहीं और सेट है जी? हाँ ठीक है ना, मैं समझ गया था। राबिया की माँ हूँ। अच्छा, तो आप और मैं सिंगल मदर हूँ, और मैंने अच्छा, आपने इसको पाला, अकेले पाला। माशाल्लाह। और फिर मैंने बहुत धूमधाम से, ये शख्स जो सामने बैठा है मेरा दामाद है। हाँ। और इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। और आप सोच सकते हैं कि मैं, हम लोग रोज जीते हैं और रोज मरते हैं। नहीं नहीं, आप रोए नहीं बेटा, आप मुझे सुनाओ क्या स्टोरी क्या है। जस साहब, कभी कहीं किसी शादी की तकरीब में जाना होता है, वही मेरे पास पुराने कपड़े, ना कुछ पहनने के लिए, वही पुराने कपड़े पहन के जाती तो वहाँ पे पूछते राबिया ये क्या हाल बनाया हुआ है, तो ये सामने से बोलते हैं मैंने तो इनको सारा सामान लगे दिया, ये पहनती नहीं है, बस ऐसे ही मुंह उठा के आ जाती है। बस मैं इनकी इज्जत के खातिर चुप रहती और सर झुकाकर सुनती रहती, लेकिन इन्होंने अब जो किया है वो उस हद पार कर दी है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या किया है, कोई नया मार्का मारा है? जस साहब, मेरे 3 बच्चे हैं, दो बच्चों की पैदाइश पे मैंने ना ही आराम किया है ना ही अच्छी खुराक खाई। मेरी 3रे बच्चे की पैदाइश पे वक्त से पहले हो गई थी, तो डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पे रखा था। मेरे बच्चे की जिंदगी थी तो उसकी जान बच गई, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की थी कि इसको हीटर की गर्मी में रखें जब भी ये सही रह सकता है। तो मैं अपने बच्चे के साथ सारा दिन हीटर की झुलसती गर्मी में बैठी रहती, जिसकी वजह से मेरी जिल्द थोड़ी झुलस गई। उसके बाद मेरा शोहर मुझे बदसूरती के ताने देने लगा और मेरी देवरानी के साथ वक्त गुजारने लगा। अच्छा, ये जिल्द जो है ये वो हीटर की वजह से हुई? जी, वो बच्चे के साथ जो आप पूरा दिन मैं इनके साथ बच्चे के साथ बैठी रहती थी, उसकी वजह से मेरी जिल्द झुलस गई। लेकिन मेरे शोहर देवरानी के साथ वक्त गुजारने लगा, वही उसको खाना देती, उसके साथ बात करती, और ये मुझ पर तवज्जो नहीं देते। मैं कुछ बात करने भी जाती तो मुझे बदसूरती का ताना दे के मुझे झाड़ कर मुझे वापस भेज देते। मगर एक दिन तो हद ही हो गई जस साहब, मेरे देवर और मेरा शौहर अपने कारोबार के सिलसिले में कराची से बाहर हैदराबाद गए हुए थे। उसी रात को मुझे प्यास लगी तो मैं किचन में गई पानी पीने के लिए, तो मेरी देवरानी का कमरा रस्ते में ही पड़ता है, तो मैंने देखा कि मेरा शौहर रात के 2 बजे मेरे देवरानी के कमरे से निकल रहा है। रात के 2 बजे कौन सा नामहरम शख्स अपनी भाभी के कमरे से निकलता है, नमाज तो पढ़ाने जाएगा नहीं ना ये। उस पर मैंने इससे पूछा कि इनसे पूछा, रात को 2 बजे कोई नमाज होती भी नहीं था, जब भी सुबह होती 4 बजे। और इनसे मैंने पूछा कि आप कब आए, आपने मुझे बताया भी नहीं। हाँ। तो मैंने इनसे जब पूछा तो उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया और रात के 2 बजे मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बे यारो मददगार, मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने इतनी मुश्किलों से, मेरे पास ना मोबाइल ना ही कौन, झूठ मत बोलने, अदालत में मुझे आप लाई है यहाँ पर, तो आपकी माँ दो आंसू बहा के ये नहीं बोल सकती है, अपना हक नहीं जमा सकती है। जस साहब, आपके 2 बजे देवरानी के कमरे से निकलेंगे तो मैं पूछूंगी नहीं है आपके देवरानी के कमरे में क्या कर रहे हैं। अच्छा चले, पहले इनसे सुन ले। 3रे बच्चे की पैदाइश के बाद डॉक्टर ने बोला तुम, आप इनका दिमाग में थोड़ा असर पड़ा है, जिसकी वजह से ये खुद ही नींद में सोते वक्त खुद ही सोचती है, और जो इनको वो हकीकत नहीं होती है वो बयान करने शुरू हो जाती है। अगर रात को आप इनको वो दिमाग पे असर हो गया, असर हो गया, सुबह सुबह उठने लगे देवरानी का कमरा नजर आता है रात को। जज साहब, मैं बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर गया था, दूसरे शहर में थे, वहां से आया हूं, मगर इसके दिमाग पे असर है, इसको देवरानी का कमरा नजर आ रहा है। जज साहब, ये गलत इल्जाम लगा रही है, ये हमारा सिर्फ एक बहन भाइयों जैसा रिश्ता है, जिसको ये पता नहीं क्या नाम देना चाह रही है। हालांकि हम इनको एक्सप्लेनेशंस दे के थक चुके हैं। ये अक्सर होता है क्या? ये अक्सर घर में यही करती हैं। जैसा आप एक दफा बताया ही नहीं था कुछ, ये तो पड़ोसियों ने बताया। जब मेरा बेटा लेने गया ना इसको, जब रात 2 बजे निकाला मेरे दामाद ने, जब मेरा बेटा लेने गया तो पड़ोसियों ने कहा किस खबीस को तुमने अपनी बेटी दे दी, रोज मारता है ये, रोज जुलम करता है, ये ठिकनी की एंट्री भी बंद हो चुकी है। अपनी ज़बान पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, आपका बड़ी है, लिहाज़ कर रहा
मेरा यही कहने का मतलब है कि हमारे घर का माहौल, हमारे घर का मसला, आप क्यों इंटरफेयर कर रही हैं इसमें? दो बात जरा सा बेस हो जाती, आप अपने बेटे को भेज देती, ये कोई घर नहीं है, ये चिड़ियाघर नहीं, कोई विजिट करने आ जाता है वो, ये चिड़ियाघर नहीं, वो विजिट करने आ जाता है वो, सब जाते हैं, बच्ची भूखी रहती है, आप बेटी बेटी करो तो मेरा मियाँ भी यहाँ आता है कि इसको खाना देंगे, ये रात को फोन करके बुलाती है, मेरा बेटा जाता है, इसको खाना देना, इसके बच्चों अच्छा, को खर्चा देना, सारा दिन में ऑफिस में धक्के खाता रहा और घर जाके खाना भी मैं बनाता हूं, नहीं किया इस आदमी ने, और खर्चा तक नहीं देता, ये कपड़े तक नहीं बनाता, वो ब्रांड पहनती है, ये लोग भी नहीं पहनती, छितरे पहनती है, छितरे पहनकर आती है, मगर जब उनको खर्चा देते थे तो उनसे पूछे ना कि वो कैसे घर चलाती थी, हर महीने के महीने में 3 बार उनको खर्चा देना पड़ता था, अब जब से मुझे खर्चा दिया जा रहा है उसमें घर भी चल रहा है, सब कुछ अच्छे से प्रॉपर तरीके से चल रहा है, जैसा भी झूठ बोल रही है, इनके खर्चे जब भी इनको खर्चा दिया जाता है तो ये आधे खर्चा अपनी ब्रांडेड अपने कपड़ों में अपने मेकअप में लगा लेकिन घर भी तो चल रहा है, अदालत में आप यहाँ पर मुझे ले आने का, लेकिन मैंने सिर्फ सबर किया कि आज मैंने जब मैं उसको हद से ज्यादा देता था, हद से ज्यादा क्या देते, हद से ज्यादा खर्चा देता था, तुम्हारे घर में भरता था, कोई नहीं भरते थे तुम्हारे घर में, वो खाता था, तुम कुछ नहीं भरते भरते थे, तुम अपनी हद से ज्यादा भरता था, हद से ज्यादा भरता था, ये बात सही है, बाहर मैं मुंह दूं बिजनेस में मुंह दूं, घर पे आऊं इसका मुंह उतरा होते खाने को मांगो तो उसके कोले पे लगाते पीटोगे, बोल नहीं दे सकते खबीस इंसान, तुम क्या लियाज कर रहा हूँ मैं आपकी, लियाज कर जब सब देख रहे ये कौन से लोग इस्तेमाल करिए मेरे आपके सामने, खराब है किसको मार, थोड़ा थोड़ा हाल लिया पानी पिया कोई नहीं, अच्छा हाँ आप मुझे बताओ असली मसला क्या है, पहले तो वो बात आ गई वो देवरानी के कमरे वाली, वो क्या गेम है जैसा, बात दरअसल यही थी, इनका वहम और वहम है, वहम और इनकी वालदा के जो फितना भर भर के इनको बेचती है ना, हफ्ते दो हफ्ते के बाद वो भराज मेरे घर पे होती है, पर भराज वो फटती है तो फिर नतीजा ये होता, तो बेटा ना भेजा बोलेगी इसने नहीं किया है, इसलिए वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जी तुम रोकना नहीं, थोड़ा हैंड ब्रेक है, एक मिनट थोड़ा सा हाँ वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर यहीं से शुरू करते हैं। हाँ जी तो फिर वक्फे से पहले बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही थी, जैसे सब यही बात है, शादी मैंने किए 6 साल गुजारे, अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 6 साल बाद यहाँ पर ये जब स्टार्टिंग में चल रहा था हम दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था, वेरी गुड अच्छे से चल रहा था हर चीज, 2-3 महीने मैं इनको खुद बता अपनी वालदा के घर चले जाओ थोड़ा रेस्ट ले लो, तुम्हें घूम फिर के आ जाओ माइंड फ्रेश हो जाएगा, जाती नहीं थी, जब से ये खुद ही पसंद करके मेरे भाई के लिए रिश्ता ये लेकर आए अपनी दोस्त, तो किसकी पसंद है, आपकी पसंद है, पहले मेरे हम दोनों में बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी, जब मेरे देवर ने बोला भाभी आप अपनी पसंद की लेकर आए तो मैंने इनसे बात ये शेयर की कि ये देवर ये बोल रहे थे, इन्होंने बोला मेरे दोस्त की बहन है उससे जाके आप देख लो उसे बात कर लो, इन्हें लड़की भी इन्होंने बताई थी कि मेरे दोस्त की बहन से कर लो, तो मैंने जाके इनकी मुझे अच्छी लगी, मैंने इन लोगों को दिखाया, इन्होंने सबसे पहले हाँ किया कि सही रहेगी, उसके बाद से जो आई है 1 महीने के बाद, पहले शादी से पहले ना मेरा देवर किसी काम से शहर से बाहर नहीं जाता था, जैसे ही शादी हुई 1 महीने के बाद कोई ना कोई काम पड़ रहा है शहर से बाहर भेज रहा है, कोई ना कोई काम पड़ रहा है शहर से बाहर भेज रहा है, प्रॉपर्टीज के साथ हम डील करते हैं, अच्छा बिजनेस है प्रॉपर्टी का जाना पड़ता है क्लाइंट के साथ मीटिंग करने, जैसा मेरा डेली का हमारे क्लाइंट से मैं ताउन करता हूँ, अकाउंटिंग मेरे भाई संभालते, सारा अकाउंट का सिस्टम मेरा वो संभालते है, घर का खर्चा वगैरह मैंने उसके हवाले किया, मैं सर मैं एक जगह पे नहीं देख सकता, जब से तीसरे बच्चे के बाद से जब से ऐसे मसला आया है डॉक्टर ने मैं खुद परेशान हूँ, मेरी परेशानी देखकर मेरी भाभी है तो वो मुझ पे ख्याल कर रही है, इनको ख्याल नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे मैं जब ऑफिस से घर आ रहा हूँ पहले देवर को कोई काम नहीं था, इनका कोई बिजनेस नहीं था,
जाते थे, जाते थे, तुम्हारे यहाँ से पति चल गई। अभी रोजाना मैं अपने देवर शोहर को मेरे से फरमाइशें करके खाना बनवाया जाता था, लेकिन जैसे ही देवरानी आई, तुमने खाना अच्छा बनाया, सब अच्छा खाना बनाया, और खाना अच्छा बनाया, नमक डाल डाल के ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया। मारो दोनों माँ बेटी, झूठ बोले, झूठ बोले जा रहे हो। और तुम जैसे सच अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला जज साहब, मैं पसंद भी इन्हीं की हूँ। पसंद हो गई, शादी हो गई, हर चीज तो दिमाग में जब था तब तभी तुम मना कर दी थी। अभी मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की क्या चीज़ जरूरत है? मेरे सास ससुर हयात नहीं है, मेरे सरबरा घर के सरबरा मेरे शोहर ही है, उसके बाद मैं ही हूँ। तो मैंने इनसे सबसे पहले फैसला लिया, इन्होंने बोला हाँ लड़की बहुत अच्छी है, बहुत घरेलू है, अच्छी रहेगी, अच्छी है। शादी के एक महीने के बाद ही वो तुम लोगों से ही खराब है, और तुम्हारी इस्लाम में हराम है। हाँ जो रो इतना नहीं बोलो, मेहरबानी होगी, बहुत तुमने दिमाग खराब कर दिया आज। इधर से शादी है बड़ी तकलीफ में गुजर रही है जज साहब। ये मेरा बहनोई जो साहिब हैसियत है, ये मेरी बहन को खर्चे नहीं देता। जज साहब अपनी बहन के बच्चों के सारे खर्चे मैं उठाता हूँ, उसके पैंपर, उसके बच्चों के पैंपर, उसके बच्चों के दूध के डब्बे, महीने के। ये आपके हैं तो बच्चे तो अपने पालो। आप क्यों नहीं बात समझ रहे हैं? ये दो तीन आंसू बहा के आपको कुछ ये कमाई नहीं, वो तो ठीक है, मगर पैंपर और दूध के डब्बे तो इसके निजी खर्चे भी मैं उठा लूंगा। ये सब झूठ बोल रहे हैं आप, बताएं भाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं जज साहब। एक दिन का वाकया है, मेरी बहन ने मुझे कहा कि मैं अपने घर कुछ भूल गई हूँ अपने बच्चों का। मैं जैसे ही उस घर गया, उसके घर गया, और वहां मैं जैसे ही दरवाजा खोला, ये सहन पे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, वो आगे ये पीछे पकड़म पकड़ाई खेली जा रही थी। जज साहब मैंने अपनी आंखों से देखा जज साहब, अरे पकड़ रहा था भाग भाग, और गाना गाया जा रहा था हम कौम इसे चुरा लो। गाना ये नहीं था, देखा जज साहब गाना कौन सा था? ये देखे जज साहब, इन्होंने पकड़ी गई ना, जज साहब इन्होंने प्रूफ दे दिया, बीवी को यहाँ भेजते हैं और घर में जज साहब मैं इनकी आवाज अच्छी है हसन की, तो मैं कभी कभी फरमाइश ये खुद ही प्रूफ देते जा रहे हैं आपके सामने, ये खुद ही प्रूफ देते जा रहे हैं। इन्होंने खुद कहा अभी, इन्होंने खुद कहा अभी, उनकी शक्ल इसी तरह बना के आ जाओगे, खुद ही गाने निकलेंगे। इन्होंने गाने सुनाते थे पहले, मुझे मैं बोलती थी मुझे गाना सुना, तो बोलती थी मुझे गानों से नफरत है, तुम भी मत सुना करो। आपको नाते सुनाते थे मुझे कुछ मुझसे बात है भाई, इसको भी तो कभी गाना सुना दो। जैसे सब सुनाते थे तो सुनाता था मैं।
में। अच्छा वो रात भूल गई है, भूल गई, इसकी माँ ने इतने फितने डाल दिए, अब वो ना तीसरे बच्चे का इसका दिमाग घूम गया, ये वो नहीं रही है, ये वो नहीं रही है, इसको मैं 100 दफा बोलता हूँ, झगड़े हो रहे चार दीवारी के बीच में बताओ। हस्बैंड घर पे आया तो अगर बीवी ये हुलिया बना के रखेगी, कौन सा हस्बैंड गाना गाएगा? ये अभी भी प्रूफ दे रही है, गाने के लिए जींस पहन के बैठना जरूरी है। नहीं जरी आप अपनी हालत हैदराबाद होते हैं, बाहर होते हैं बिजनेस के सिलसिले में, ये किसके लिए जींस की पैंट पहनते हैं? जज साहब, जज साहब अक्सर मैंने देखा है ये मेरे देवर को, मेरा देवर बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, मगर मेरी देवरानी की मोहब्बत में पागल हुआ है, उसकी आंखों में पट्टी बनी हुई है। थेरो, थेरो, देवर की बेटा तीन बच्चे संभाल लो, तुम भी ऐसी हो जाओगी। तो तीन बच्चे मैं क्यों संभालूं? जब नहीं होते तो इसीलिए तो मेरी बेटी बच्चे संभालती है, घर संभालती है, अपना छोड़ देती है, तुम्हारी तरह जींस की पैंट टी शर्ट पहन के गाने भाईजान जैसा को ये बताएंगे मैं इस पे खर्चा कितना करता हूँ। जी जी आप बताएं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जज साहब बात यह है कि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं हम थोड़े लिबरल किस्म के लोग हैं, और है। हमारे घर का माहौल इस तरह का है कि इन चीजों को गलत नहीं समझा जाता है, और मेरे ख्याल से मेरी भाभी का जो मायका है और इनका जो घर है ये शायद कंजर्वेटिव किस्म के लोग हैं, और इनको ये बात बहुत बुरी लगती है कि मेरे भाई मेरी बीवी से बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी बीवी मेरे भाई को अपने भाइयों की तरह समझती हैं, और मेरे भाई उनको अपनी बहनों की तरह समझते हैं। और जज साहब मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो मेरी बीवी पे तोहमत लगाती रहे। जज साहब मैं कब से सुन रहा हूँ वो फजूल फजूल किस्म की बातें कर रही हैं। और दूसरी बात जज साहब, इन दोनों का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे घर में कि ये दोनों मतलब कुछ भी हो जाता है। जज साहब ये हर घर के मसले हैं, हस्बैंड वाइफ पकड़म पकड़ाई भी हो जाती है। जैसा मुझे बोलने दे भाईजान, मुझे बोलने दे, झूठ बोल रहे हैं, मुझे बोलने दे भाईजान। जज साहब हर घर में होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़े से इख्तलाफात हर बात में होते हैं जज साहब, ठक ठक लगी रहती है। लेकिन कुछ भी हो जाता है इनकी मदर और इनके भाई, ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा होता है। और सर होता यह है कि ये चार चार पांच पांच दिन के लिए महीने में लेके चले जाते हैं उनको, और मुझे नहीं समझ आता कि उनको क्या उनके कानों में बातें डाली जाती हैं। सर ये उनका दिमाग नहीं है, वो इस तरह की बात नहीं करती हैं, ये उनकी जो मदर है मेरे भाई की जो सासू माँ है वो उनको फीड करती हैं, और जो बात वो उनको फीड करती हैं वो वही बात आके आगे कर देती हैं। थोड़ा सा फीडिंग बंद कर दें। नहीं जज साहब, कोई फीडिंग कैसे बंद करेंगी? जज साहब आप बात बंद करेंगे, चर्चाना बंद हो जाएगा। लेकिन जब कोई भी मां दुनिया की अपनी बेटी को तकलीफ दे, जज साहब अगर कोई और ये भाई इनको बुरा लगता है, जहाँ तक बात है, जहाँ तक मेरे बाहर जाने की बात है, जो कि वो बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं जिस बात को कि मैं बाहर जाता हूँ, आउट ऑफ सिटी जाता हूँ, तो जज साहब हम दोनों का भाइयों का कारोबार है, और यहाँ कराची में जो हमारा कारोबार संभालते हैं वो भाई साहब संभालते हैं, और मेरा जितना काम होता है वो आउट ऑफ सिटी होता है, तो मुझे अमूमन हफ्ते में एक दिन दो दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उसमें भी इन लोगों को मसला है। वक्फा लेते हैं फिर दोबारा यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, तो बड़े जोर से बोल रही थी आप। मेरे देवर की शादी हुई थी, उससे पहले ये कोई काम से बाहर नहीं जाता था, सिर्फ कराची में रहता था, वो भी ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे काम को देता था, बाकी दोस्तों में रहता था, मैं खुद इसको खाना मैंने तुम्हें बताया था हमारा प्रोजेक्ट एक शुरू हो रहा है, उसके लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो मैं जो भाई को भेजना पड़ा ना, कराची में जैसे खाना खाने जाते हैं चाहे कैसी भी है, इनका फर्ज नहीं है अपनी बीवी को पूछे साथ चलो नहीं, गाड़ी में जाते चाबी निकाली और चले गए, और मैं बाहर जाते हैं और
साहब ऑफिस से आऊं, ऑफिस से कदम रखूं घर में, मैं इनको बोलूं घर में खाना क्या बना है, मेरे कमर में दर्द है, मैंने नहीं बनाया, मैंने चलो ठीक है, किधर भाई ने बोला कि खाना, मैंने बोला आप लेते हैं, बोला नहीं आओ चले हमारे घर में खाना वही खा लेते, मैंने जब बोला कि चलो खाना तो बोले मैं कमर में दर्द निकल गया, मेरे पीछे से चले गए, मुझे बिना बताए जब ये मेरे जब यहाँ पर हस्बैंड के हकूक नहीं चले तो मैं इसे क्या करूँ, ये एक अय्याश इंसान है, जब कोई ऐसी नहीं करता, कोई ऐसी नहीं करता, सुबह 5 बजे काम पे निकलते शाम को आता हूँ, चली जाती हो मुझे मारता है, मुझे पीटता है, देवरानी के पास जाता है, इतना खुश मुझ पर हाथ उठाने लग जाता है, मेरे कपड़े निकाल के बोलते हैं जाओ अपने घर जाओ, मुझे छोड़ के भी नहीं आता, घर से बाहर निकाल देता, ना कुछ किराया आता ना कुछ, जब से देखिए इज्जत पहुंचा दी हमें तो तुम्हारी इज्जत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत है, हर जगह का नाम है तुम्हारी, कोई इज्जत नहीं है, तुम बैठ जाओ, पानी पिला रहे हैं इनको, दिमाग ठंडा हो, हर जगह देखा पत्ता फसाद शुरू कर देंगे, मैं अपनी बहन के बच्चों का सारा महीने का खर्चा मैं उठाता हूँ, उसके पता नहीं कहाँ से इतना बारीक इंसान मैंने जिंदगी में देखा है, एक फोन में पहुंच जाते मेरे घर पे, दूध हर चीज पहुंचा देते हैं, इससे तो आज तक इसकी शादी नहीं हुई है, दूध तक पहुंचा सकते हैं, उसके आप लोग भेज देते हो, मेरे भाई जबरदस्ती भेजते हो, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि भाई भाई की भाभी की तबीयत खराब रहती है, भाभी यहाँ नहीं होती, इनके बच्चों की तबीयत खराब रहती है, तुम भाई का ख्याल रखा करो, भाई तो इधर होता ही नहीं है, ये तो बिजनेस के सिलसिले में बाहर होते हैं, रंग रहे चाबी दिए मुझे बोलने दें प्लीज, जज साहब अभी आपने भी सुना कि इनको बहुत ज्यादा मसला है मेरे बाहर रहने से, और दूसरी बात जो हमेशा ये करती रहती है मेरी भाभी की माँ, वो ये करती हैं कि भाई अलग हो जाओ, जज साहब ये घर जिसमें हम रह रहे हैं वो मेरे वालिद साहब ने भाई और मेरे नाम किया था, और घर पे मेरा भी उतना ही हिस्सा है, इनका हमेशा ये होता है जो अपनी बेटी को ये कहती रहती हैं कि घर अलग करवा लो, और जज साहब मैं तो अपना घर छोड़ के नहीं जाऊँगा, और कहाँ जाऊँगा मैं, क्योंकि ये घर हम दोनों भाइयों का है, और दूसरी ये बात ये हर वक्त हर चीज में मेरी बीवी को ब्लेम करते हैं, जज साहब आप इनको मना करें कि इस तरह की ये बात ना करें कोर्ट में, इनकी पूरी फैमिली को मेरा दामाद ले जाता है घुमाने के लिए,
ये तो पूरा कबर जाता है। बताया था आपकी बेटी ने जब इनको बड़े से रेस्टोरेंट में लेके था चाइनीज रेस्टोरेंट में, वहाँ पर क्या करी थी हरकत? क्या कर रही थी? क्या की थी? चाइनीज खाने का तरीका होता है। अच्छा। अगर तरीका सिखाया होता ना, यही होता। वही समोसे सब पापे की तरफ चाय की तरफ पी रही, चाइनीज खाने का तरीका होता है। कैसी खाती थी मेरे खिलाड़ी के सामने? आप ज्यादा नहीं बोल रहे थे जैसा खुशहाल फैमिली से रेस्टोरेंट होटल सब पता है, पढ़ी लिखी है, जाहिल नहीं है। बच्चा भी चल गया, ये भी चल गई, फिर चीखे मारते मारते मुझे फोन नहीं कर रही कमरे से, भाई को फोन करा, वो आके मुझे समझाएगा। अपने मासूम बच्चों चीखे मार के यहीं से कान फा रही है, वहां पर कमरे से आवाज नहीं लगा सकती। इतने साहब ने कभी मुझे नहीं सिखाया था कि मेरे जाने के बाद मेरे अपने भाई को अलग कर देना। जो मेरा है वो भाई का है, जो भाई का है वो मेरा है। सही है, हर चीज में प्रॉपर्टीज वगैरह। अच्छी बात है। मैं इनको अलग करूं ये खुश हो जाए, जो ये चाहते हैं आज कोर्ट में लाएं, ये सोचे कि यहां पर ये खुश हो रहे हैं, वहां पर कितने बंदे 10 बंदे खुश होंगे। बिजनेस में अलग हो गए दोनों भाई, नाम हमारा, रुचि हमारा, मैं नहीं चाहता कि भाई अलग हो यहाँ पर। जो मासूम बच्चे हमारे घर छोड़ के चला गया, ये कैसा बिजनेस है? जब मैं इनके घरों के धक्के खा रहा था, मुझे क्यों अपने बेटे को मिलने नहीं दिया? ये अपने बच्चे हमारे घर छोड़ के चला जाता है, ये कैसा बिजनेस चला रहा है? चाय लेकर गई कि आप चाय पी लीजिए ना, दो अल्फाज मीठे नींद काले उठा के यू पूछी चाय। बात ये मैं अंदर घर आया ऊपर थक कर आया हूँ, मैंने उठते साथ बोले चाय, मेरे सर में दर्द है। कोई दर्द नहीं है, पता है। मैं अगला जवाब मेरा क्या आने वाले, मैं किसको आवाज लगाने वाले? मैंने बोला किरण इधर आए, बाहर से गुजर। किरण ने बोले जी भाई बोले, मैंने एक मीठी साथ गई, इतना दिमाग इसका खराब कर दिया कि मां ने। वैसे खाने में तो नमक डाल के ज्यादा ब्लड प्रेशर का मरीज कर दिया मुझे से, मुझे मुझे इतनी सी उम्र में मानना चाहती है। उम्र है तुम्हारी, चाय नहीं चाहती है, चीनी की जगह नमक डाल के चाय नहीं आती। इनको नहीं बनाना आता, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने नहीं किया तुम पे नहीं। अभी एक वक्फा लेते हैं, थोड़ा कूल डाउन हो जाए, पानी पिए, मैंने मंगाया आपके लिए। जी आप क्या फरमा रही हैं? जज साहब मैं बहुत उम्मीद के साथ, बहुत दुख के साथ और बहुत मजबूर होके आपके पास आई हूँ अपनी बेटी की फरियाद। अच्छा आप देखें, मैंने दोनों पार्टियों को एट लेंथ सुना है। बेसिकली जो बेसिक चीज वो है, दोनों घरों के माहौल में बेइंतहा डिफरेंस है और उनका लिविंग स्टाइल अलग है, पकड़न पकड़ाई वाला है। आपका कंजर्वेटिव सिस्टम है ट्रेडिशनल, और दोनों का आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग वाली बात नज़र नहीं आ रही। हालांकि अल्लाह की शान है, तीन बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को समझ नहीं सके। अच्छा अब इसमें यह है, आप थोड़ी ज़िम्मेदार औरत हैं, थोड़ा मुझे इसमें गाइड करें कि इस मसले को हल कैसे किया जाए।
इसी बात का तो अफसोस है कि कहीं मेरे बच्चे ना रुल जाएं थी। मैं तो घर बसाना चाहती हूँ। हाँ, तो मुझे बताएं ना इस मसले का क्या हल है। मैं चाहती हूँ कि मेरे देवर देवरानी अलग हो जाएं, हमारे साथ ना रहे, क्योंकि जब देवरानी रहेगी तो ये इनको भड़काएगी। अब मैं यही बात आपसे यही सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं कि इस मसले का हल क्या है, कैसे हल करें। जैसा जो इन्होंने बोला है कि अपना तीन बच्चे हैं, वो उतने मेरे भी बच्चे हैं। नेचुरली मैं प्यार करता हूं, हद से ज्यादा करता हूं, ये इतना नहीं समझ रही मैं बाप। मुझे पता है, जाहिर है, ठीक है। मैं बाप और भाई के तौर पे दोनों तरफ से देखना चाहता हूँ। भाई को भी अलग नहीं कर सकता ना, अपने बच्चों को अलग कर सकता। सीधी बात है, ये कान से निकाल दो, दिमाग से फितने जमा करके यहाँ तक पहुंचा दो, भाई और भाभी को अलग कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। तो याद रखना, बहुत हो गया, बहुत हो गया। किसी की पसंद नहीं हो, इन्हीं की ही पसंद हो। ये मुझे खुद अपनी पसंद से ही लाई है। जब लाई है आप क्या कह रही हैं? अगर देवरानी अलग नहीं होगी तो मुझे खुला चाहिए। मैं और जुलूम इनके तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती, इनका बेरुख ही बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। चले खुला तो हो जाएगी, फिर बच्चों की कस्टडी का क्या करेंगे? मैं अपने पास रखूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। मैं अपने पास रखना चाहता हूं बच्चे, मेरे भी जितने बच्चे हैं उतना उसके हैं। मासूम बच्चे इन दोनों की लड़ाई में रुल जाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। यही आप कुछ दिन पहले साल जाएंगे पे चलता तो आज ये मुसीबत ना आती। मुझे गुस्से से सर बस ये इतना तशद्दुद करता है मेरी बहन पर, इतना तशद्दुद करता है कि इसकी हाउस में इसकी मतलब औरतें पूछती हैं कि इनकी बहन कौन सा अच्छा सलूक करती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है, कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। दोनों हाथ यही बने हुए हैं, एक देवरानी एक मेरा शौहर। चलो अब जो मैं समझ गया, क्यों देवरानी यार, देखो बेटा मेरी बात समझ में आ रही है। तुम्हारी आंखों में पट्टी बनी है, मैं अपने मलहूम वालिद की कसम खा के बोल रही हूँ, तुम्हारा भी जीना हराम कर देंगे, तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे, ये दोनों तुम्हें बर्बाद कर देंगे। बेटा आप चुप रहो, बात यह है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, आप लोग मिलकर नहीं रह सकते एक जगह पे। अच्छा, अब वो जो सजेशन लेकर आई हैं, वो कहती हैं कि मैं और मेरा मियां और बच्चे अलग हो जाएं, आप बेशक इकट्ठे रहें उसी घर में, ये जो है मेरा हस्बैंड और मेरी जो है वो। लेकिन जज साहब, हमारा तो घर टूट जाएगा ना, हम ये तो इस्लाम में भी है कि अगर बीवी मांगे घर अलग तो ये शौहर का फर्ज है कि उसके अलग घर करके दे, ये तो इस्लाम कह रहा है ना। इस्लाम में ये भी है कि किसी घर में दखलंदाजी नहीं करते, हुकूक में निकाह मेरा हो गई है, निकाह में मेरी हो गई है। अगर हमारी बहन पर जुर्म होगा तो हम मुदाखलत करेंगे। अब क्यों करेगा तू? जज साहब, बात यह है कि मैंने बहुत बार देखा है भाई की तरफ से भी जो रवैया है भाभी के साथ वो गलत है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरे भाई का मेरी बीवी के साथ कोई इस तरह का अफेयर या कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ भी इस किस्म की बात नहीं है। आपको तसल्ली है तो सबको तसल्ली है। बिल्कुल सर, और सर बच्चों की उम्रें क्या हैं? एक 7 साल का है, एक 5 साल का है और एक 4 महीने का है। अब देखिए, जो हमारे यहाँ गार्डियनशिप का लॉ है उसमें यह है कि 7 साल की उम्र तक का बेटा माँ के साथ उसको राइट ऑफ हिजानत है, एज ए मैटर ऑफ राइट रह सकता है, और 11 साल तक की जो बेटी है
वो एज ए राइट ऑफ हिजानत माँ के साथ रह सकती है, ये सुन्नी लॉ में है। अच्छा, शिया लॉ में क्या है कि 2 साल तक का बेटा माँ के पास एज ए राइट ऑफ हिजानत रह सकता है, और बेटी जो है वो 7 साल तक की माँ के पास एज ए मैटर ऑफ राइट रह सकती है, अगर ये माँ को 100% कस्टडी मिलेगी, अनलेस शी इज़ डिसक्वालिफाइड। तो डिसक्वालिफिकेशन सिर्फ 2 हैं, एक ये कि अगर वो मेंटल हो कि बच्चे का वेलफेयर और ज़िंदगी ख़तरे में हो उसके पास रखने से, और दूसरा ये कि खुदा ना खास्ता कोई करेक्टर का मसला हो, वो इस केस में है नहीं। तो अब राइट जो है हिजानत का इनका तो है, और 7 साल से जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो फिर आपके हस्बैंड उसकी कस्टडी क्लेम कर सकते हैं, वो फिर अदालत देखेगी, जहाँ उसकी वेलफेयर होगी वो उसको दे देगी। अच्छा, अब रह गया मसला साथ रहने का, कोई चांस नहीं है। मैं तो बोल रही घर अलग ले ले, मैं इनके साथ रहूंगी, मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती, अपने बच्चों को नहीं रुलाना चाहती, लेकिन मेरी मेहरबानी मुझे कोई सही रहने देगा, मेरे बच्चों का भी पालन नहीं होगी। अब ये कि अब आप इसमें नहीं बोलेंगी, आप बेटा मुझे बताओ आप खुला नहीं लेना चाहती, खुला नहीं लेना चाहती, मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती, पक्की बात है, सही है, डन। अच्छा, और आप देवरानी के साथ भी नहीं रहना चाहती? नहीं, देवरानी के साथ नहीं रहना चाहती, इसी की वजह से तो मैं अदालत तक पहुंची हूं। अच्छा, चले देखे। अच्छा भाई, अब आप थोड़ा सा समझो, आप माशाल्लाह बड़े जिम्मेदार आदमी हो, बड़े बिजनेसमैन हो, मेरा ये कहना ये है कि आप माशाल्लाह अपने भाई और भाभी के साथ रहें, मैं आपके घर को डिवाइड नहीं करना चाहता, लेकिन अपने सुकून के लिए आप अपनी बीवी को कहीं 2 कमरे का कोई फ्लैट इनकी माँ के घर के नज़दीक या अपने घर के नज़दीक इनको आप किराए पे लेके अपनी बीवी को और 3 बच्चों को वहाँ रख दो। मैं नहीं चाहता आपके बच्चे आपसे जुदा हों, आप रोज़ जब दफ्तर से आएँ पहले अपने बच्चों से मिलें, फिर आप चले जाएँ अपने भाई और भाभी के पास, खाना वाना वहीं खाएं। मुझे बच्चों से को, हाँ नहीं, 100% नहीं, वो मकान आपका होगा, उसका किराया आप देंगे, उसका किराया नामा आपके नाम बनेगा, आप उस घर के मालिक होंगे, और आप आए अपना अपने भाई भाभी के साथ बैठे, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है, और आपके बच्चे आपके पास रहेंगे, बजाय इसके कि मैं खुला कर दूं और फिर उसके बाद बच्चों के लिए आप कस्टडी में कोर्टों में धक्के खाते रहो, बच्चे रुल जाएंगे। मैं नहीं चाहता आप पैसे वाले आदमी हो कि पैसे वाले आदमी के बच्चे रुल जाएं, तो आप अपने बच्चों को अपने पास अपनी निगरानी में अच्छे स्कूलों में पढ़ाएँ, माशाल्लाह वो उनका करियर बनेगा। 3-4 साल की बात होती है, 2 थोड़े दिनों में बच्चे ए लेवल ओ लेवल कर लेते हैं, फिर वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो ये थोड़े से दिन सब्र के गुजार लो, तो आप इसमें ये आप अफोर्ड कर सकते हो। कोई 2 कमरे का, मैं नहीं कहता कोई बड़ा आलीशान मकान लें, 2 कमरे का घर हो जिसमें किचन हो, 1 कमरे में बच्चे हों, 1 में माँ हो, आप जाएं जब आपका दिल करे, बीवी से मिलने को दिल चाहे तो मिलें, नहीं दिल चाहता खिदमत नहीं करती, अपने बच्चों से मिलो, खेलो, जो उनसे प्यार करना है थोड़ी देर लेटना है बच्चों के साथ लेट जाओ, जब वो सो जाए आप घर आ जाओ, फिर आप यहाँ पकड़न पकड़ाई खेलो, ठीक है ना, क्यों जी, सही है, डन। और आपको खुला भी नहीं दिया, आपको अलग घर दे दिया किराए का, बस उसमें रहे। अब आंटी आपने इंटरफेयर नहीं करना, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा, देखिए बीवी को लड़ने भी दो रहने भी दो, अच्छा तशद्दुद नहीं करना, मारना नहीं, आप मजबूत आदमी हो, एक हाथ मारेगी बेचारी उड़ जाएगी। अब सामने आके बोलेंगे इतना, नहीं आप बोलना नहीं है ना सामने आके, देखो आप बोलने की कोई वजह नहीं है, भाभी अलग हो गई, आपका घर हो गया, अब जो दिल चाहे पकाओ, जितना मर्जी नमक डालो, उससे तो खाना खाना नहीं है, वो वहाँ खाएगा, आप अपना खाना अपने बच्चों के लिए बनाओ जो मर्जी, और खुला वगैरह ख़त्म, और बच्चे जो है आपके पास रहेंगे, मियाँ काम से आएगा घर आएगा, अगर चाय बना सकती हो तो दे दो, नहीं तो वो बाहर से पी के आ जाएगा, ठीक है, डन। शुक्रिया जज साहब, सही हो गया, मेहरबानी, अदालत बर्खास्त होती है।